बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिराफ़ फ्रॉम 12 कंसल्टेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडीज़ इन टर्की। टर्की में स्कॉलरशिप्स अगर अवेलेबल हैं तो किस टाइम पे अवेलेबल हैं, और उसकी अगर आप सेल्फ पे जाना चाहते हैं तो क्या टर्की एक वर्थ इट ऑप्शन है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, इसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम और पर सेमेस्टर फीस क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एज यूजुअल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वाई टर्की, टर्की क्यों जाना चाहिए आपको। सबसे मेन रीज़न है कि टर्की जो है वो एक मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम कंट्री है, सो आपको हलाल फूड का कोई एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यकीन करें, जो स्टूडेंट्स हैं या हम लोग अगर बाहर मुल्क रहते हैं, सो द ओनली थिंग विच आई मिस अलॉट अबाउट पाकिस्तान में, करेंसी का भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ वी मैनेज ईजिली। जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना, दैट इज़ हलाल फूड। हलाल फूड मैं इतना मिस करती हूँ, आप कहीं भी बाहर जाके ईजिली स्ट्रीट फूड नहीं इन्जॉय कर सकते। सो टर्की में स्ट्रीट फूड आप ईज़िली इन्जॉय कर सकते हो, आपको चीपर भी पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी और कंट्री में होते हो हलाल ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, तो आप हर जगह से फूड नहीं ले सकते। जब आप किसी स्पेसिफिक जगह से लेते हो तो उसके रेट्स कंपैरेटिवली हायर होते हैं, तो आपका ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाता है। इसके अलावा आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, और आप अपने ही एक इस्लामिक काइंड ऑफ कल्चर में रहते हो, अजान होती है तो आप इजीली प्रैक्टिस करते हो अपना रिलीजन। प्रैक्टिस तो आप बाकी जैसे वी आर इन यूरोप, सो यहाँ पे भी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक ना आपको वहाँ पे एक अच्छा फील होता है। दूसरी बात ये कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी एजुकेशन पे या उसकी क्वालिटी पे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो भी आपको अच्छा मिल जाता है, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है जो टर्की में जो उनकी करेंसी है, दैट इज़ टर्किश लिरा। और अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के साथ कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट आप, वैसे मैं आपको एक रफ आइडिया बता रही हूँ कि जो भी उनकी प्राइस है, आप जस्ट एक ज़ीरो ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा वर्थ हमारी करेंसी की और उनकी कितनी है। तो 1 पाकिस्तानी इक्वल्स टू 40 टर्किश लिरा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एकेडमिक डाइवर्सिटी है, आपको हर तरह की फील्ड मिलेगी वहाँ पे स्टडी करने के लिए, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, वरना अक्सर कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं ना आपको नहीं मिलते। आपको आर्ट्स टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं, या आपको आईटी के मिल रहे होते हैं, एमबीबीएस नहीं मिल रहे होते, मेडिकल, आईटी, इंजीनियरिंग, हर तरह के ऑप्शन यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हैं। सिंस मैंने बताया इसकी टर्किश लिरा, इसकी जो करेंसी है काफ़ी लो है, तो अफोर्डेबल ऑप्शन है, लो कॉस्ट पड़ती है आपको मंथली एक्सपेंसेस वगैरह, तो एज अ स्टूडेंट एक अच्छी लाइफ गुजर जाती है। प्लस अगर आप घूमना फिरना चाहते हो अपने समर वेकेशंस में, तो उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंट्री है, तो आप इजीली घूम फिर सकते हो व्हेन यू आर हैविंग योर विंटर और समर वेकेशंस। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप किसी जगह जा रहे हो तो हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। फिर आपके पास बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, जो आप वंस वहाँ पे एडमिशन ले लेते हो उससे पहले भी होती हैं, और अगर आप सेल्फ पे भी गए हो तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसी स्कॉलरशिप्स बाद में ऑफ़र होती हैं, जिस पे इजीली आप अपने एक्सपेंस जो है ना मैनेज कर लेते हो। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी है और वाइब्रेंट स्टाइल है, इसके अलावा हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि जो आपका इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बड़ा मैटर करते हैं, तो वो बड़े एक अच्छे किस्म के लोग हैं, तो आपको एक अच्छी वैल्यूज़ आप उनसे इनहेरिट कर सकते हो वहाँ रह के। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूशन फ़ी की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या मतलब सबसे मेन चीज़ ट्यूशन फ़ी ही होती है। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हो किसी भी फील्ड में, तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम, लेकिन अगर मैं एक एवरेज बात करूं तो आपको तकरीबन $2,500 एक सेमेस्टर का पड़ेगा, और अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाह रहे हो तो आपको एक सेमेस्टर का $4,000 पड़ेगा। तो आप इसकी कन्वर्जन उसी के अकॉर्डिंगली करके देख सकते हो कि आपको कितनी इसकी कॉस्ट पड़ेगी ईयरली, या जो भी डिग्री है। बैचलर्स आपका 4 साल का होता है और मास्टर्स आपका 2 साल का होता है, बट स्टिल ये मैं आपको यहाँ पे बात मेंशन कर दूँ कि थीसिस और विदाउट थीसिस दोनों तरह की डिग्रीज यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं, तो उनकी भी डेफिनेटली मार्जिन होगा फीस में। और ये टर्की को हम पर्सनली डील कर रहे हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारे कंसल्टेंट से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और हम करंटली इसको डील कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम आपके क्वेरीज़ का आंसर नहीं दे रहे, तो आप हमें
लाइक थोड़ा सा मार्जिन दें, क्योंकि इतने ज़्यादा लाइक यू आर यू कैन से देर इज़ अ फ्लड ऑफ क्वेरीज, और हमारे स्टिल कंसल्टेंट्स हम लाइक वी आर जस्ट ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि हम अपना जो वर्क फोर्स है उधर हम थोड़ा सा इंक्रीज करें, बट स्टिल वो इतनी ज़्यादा क्वेरीज हैं कि हम सबको नहीं रिप्लाई कर पाते। बट स्टिल अगर आपकी क्वेरी हमसे मिस हो गई है आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमें tellus@12consultant.com पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की, MBBS की। अगर आप मेडिसिन में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपका 7500 पर सेमेस्टर आपको खर्चा आएगा। इसके अलावा यू मस्ट बी थिंकिंग किसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो जो सबसे पहली चीज़ है जो हम लोग को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, दैट इज़ इंग्लिश टेस्ट, जो कि आइल्स वगैरह होते हैं। तो नो आइल्स इज़ रिक्वायर्ड, सबसे अच्छी बात यह है, और आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपके मार्क्स 60-65% हैं या 55% भी हैं तो आपका एडमिशन पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे। इसके अलावा आपको टर्किश लैंग्वेज का कोर्स वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वरना आप जिस भी कंट्री जाते हो ना, आपको वहाँ पे उसका लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। तो ये आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो इन सम केसेस। इसके अलावा अगर आप जब इसका प्रोसेस स्टार्ट करोगे, सो यू विल टेक अपॉइंटमेंट टर्किश एम्बेसी का, और इसके अलावा आपका जो भी सारा वीज़ा प्रोसेस होगा, आपकी फाइलिंग वगैरह सब हमारे कंसल्टेंट्स जिनके साथ आप अपना केस स्टार्ट करवाएंगे, दे विल हैंडल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 10, ठीक है, A to Z। आप ये सब चीज़ें वो देखेंगे अपने प्रोफेशनल स्टाइल से। सो आपका वीज़ा 100% मतलब हम गारंटी तो नहीं देते, बट जब आपका केस प्रोफेशनली हैंडल होगा तो गारंटीड तो उस तरह से वीज़ा हो जाता है, बट स्टिल हम गारंटी नहीं देते। मे बी आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में फॉर्जरिंग हो, कोई चीज़ हो, तो उसके लिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट स्टिल हमारा वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इंशाल्लाह ये भी आगे चल के हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के वीज़ाज लगते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि रिजेक्ट हो। अच्छा, इसके अलावा आपका वर्किंग डे कितने वर्किंग डेज लगेंगे इसको अप्रूव होने में, तो तकरीबन 2 weeks का टाइम है आपके पास, और आपका ये जो प्रोसेस है वीज़ा का ये हो जाएगा। इसके अलावा 21,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान में एम्बेसी फ़ी लगेगी, टर्किश एम्बेसी फ़ी, ताकि आप ये सारा प्रोसेस इसका हो सके, आपका इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। फिर इसके बाद आप जब टर्की पहुंच भी जाएंगे, स्टिल आपका एयरपोर्ट पिकअप, आपको वहाँ पे अकोमोडेशन में हेल्प आउट, आपको वहाँ पे इवन पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह ढूंढने में, आपको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने में, हर तरह की चीज़ में हमारे जो कंसल्टेंट होंगे जो आपको डील कर रहे होंगे, आपको पहले दिन से लेके आखिर दिन तक आपको वो हेल्प आउट करेंगे हर चीज़ में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेनेवर यू आर गोइंग एट सम प्लेस, तो अगर आपको एक असिस्टेंस मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, यू फील लाइक प्रोटेक्टेड। तो हमारे वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आपको पर्सनली खुद गाइड करेंगे, तो अगर आपको कोई इशू आता है तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट देयर इज़ समवन होम यू कैन कॉन्टैक्ट एंड वी कैन गाइड यू एट एवरी स्टेप। सो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप टर्की में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं आने वाले फॉल टर्म के लिए, तो अभी रब्ता करें दिए गए नंबर्स पे, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आप लोग को रिप्लाई बैक करें एज सून एज पॉसिबल। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।